हेलो नमस्कार साथियों, आप सभी लोगों का फिर से एक बार ज्ञान धन एकेडमी में हार्दिक स्वागत है। साथियों, जैसा कि आप लोगों को पता है कि रेलवे विभाग पेपर करा रहा है, ग्रुप डी का पेपर लगातार चल रहा है। साथियों ध्यान दीजिएगा, हम पूरे पेपर को क्या किए, अच्छे से एनालाइज किए और एक निष्कर्ष निकाले ना कि किस टॉपिक से पेपर में क्वेश्चन बन रहे हैं साइंस के। ध्यान दीजिएगा, साइंस के कौन से टॉपिक से बेहतरीन क्वेश्चन बन रहे हैं जो डेली पेपर में क्या कर रहा है साथियों पूछा जा रहा है। ध्यान दीजिएगा, एकदम इम्पॉर्टेंट है, पूरा शिद्दत से थोड़ा सा सुन लीजिए मुझे। पेपर में ना अच्छा स्कोर कर लेंगे आप साइंस में, यकीन मानिए। ध्यान दीजिएगा, कुछ अगर टॉपिक्स की बात कर लेना, देखिए केमिस्ट्री के कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक्स लिखे हैं इधर, फिजिक्स के और इधर बायोलॉजी के। ध्यान दीजिएगा, अच्छा ध्यान समझिएगा, पेपर में ना जो छप रहा है ना, इन टॉपिक से डायरेक्ट क्वेश्चन पूछा जा रहा है। जितना अभी देखिए 4 दिन का लगभग पेपर हो चुका है, हम 4 दिन के तीनों तीन शिफ्ट के ना, जो एक दिन में 3 शिफ्ट के पेपर हो रहे हैं, तो टोटल 12 शिफ्ट खत्म हो गया ना। उन 12 शिफ्टों को जब एनालाइज किया गया तो पता ये चला कि इन्हीं टॉपिक से क्वेश्चन पेपर में बन रहे हैं। ध्यान दीजिएगा, परमाणु और अणु से हमेशा केमिस्ट्री में क्वेश्चन बन रहा है। ध्यान दीजिएगा, आवर्त सारणी में, अच्छा परमाणु अणु में क्या पढ़िएगा, ध्यान दीजिए हम बता रहे हैं कि कौन से टॉपिक से क्या क्वेश्चन बनेगा और क्या चीज उसमें पढ़ लीजिएगा। मैक्सिमम क्वेश्चन का आप आंसर दे देंगे कम समय में, ये क्विक रिवीजन जैसा है। हम आपके सामने टॉपिक्स रख दे रहे हैं, आप एक बार किताब खोल के पढ़ लीजिएगा, मैक्सिमम स्कोर कर लीजिएगा। चलिए ध्यान दीजिए, परमाणु अणु से पूछ रहा है क्वेश्चन, परमाणु अणु से क्या पूछ रहा है, कोई एक परमाणु आपके सामने दे दे रहा है, ध्यान दीजिएगा उसमें कक्षाओं की संख्या पूछ ले रहा ना कि उसमें कितनी कक्षाएं हैं, ये पढ़ लीजिएगा। ध्यान दीजिएगा, आवर्त सारणी में ना 2-3 नियम है, सुन लीजिए। एक डोबेराइनर, हाँ डोबेराइनर वैज्ञानिक है, उनका त्रिक नियम है, एक न्यूलैंड का अष्टक नियम है, ध्यान दीजिएगा, और एक मेंडलीफ की आवर्त सारणी और आधुनिक आवर्त सारणी। ध्यान दीजिएगा, आधुनिक आवर्त सारणी का जन्मदाता पूछ ले रहा है, आधुनिक आवर्त सारणी में तत्वों की संख्या पूछ ले रहा है। ध्यान दीजिएगा, 18वें ग्रुप से क्वेश्चन बन रहा है, 18 नंबर और 17 नंबर, पढ़ के जरूर जाइए, पेपर में डायरेक्ट छप रहा है। अम्ल क्षार तथा लवण पे देख लीजिएगा, अम्ल के गुण जरूर पढ़ लीजिएगा, रासायनिक गुण पेपर में डायरेक्ट छप रहा है। क्षार पीएच वैल्यू भी देख लीजिएगा अम्ल क्षार का, लवण से तो रोज क्वेश्चन पूछ रहा है, कईयो कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड दे रहा है, कईयो बिरंजक चूर्ण, मतलब कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड बिरंजक चूर्ण है, बिरंजक चूर्ण ठीक है, जो फेमस है बता दे रहे हैं, धावन सोडा है ना, फिर बेकिंग सोडा, इनसे प्लास्टर ऑफ पेरिस रोज क्वेश्चन पूछ रहा है। ध्यान दीजिएगा, धातु और अधातु में देखिए, धातु की सक्रियता श्रेणी से क्वेश्चन पूछ ले रहा है। अच्छा मिश्र धातु जरूर पढ़ लीजिएगा, पेपर में यहाँ से क्वेश्चन बन रहे हैं, ठीक है। और धातु तो कुछ खास नहीं बन रहा है, बट इसे भी दिमाग में एक बार रखिए रहिएगा। अच्छा धातु में 2-3 चीज और देख लीजिएगा, किसकी तन्यता ज्यादा होती है, किसकी आघात वर्धनीयता ज्यादा होती है। चलिए समस्थानिक संभारिक, समस्थानिक से क्वेश्चन पूछ रहा है कि समस्थानिक का उपयोग कहाँ पे किया जाता है, जैसे आयोडीन 131 घेंगा रोग के उपचार में है ना, कोबाल्ट 60 कैंसर रोग के उपचार में, ध्यान दीजिएगा। और सब हाइड्रोजन के कितने समस्थानिक है, 3 है, प्रोटियम ड्यूटेरियम ट्राइटियम, पूछ ले रहा है डायरेक्ट क्वेश्चन। चलिए पीएच वैल्यू रख लीजिएगा, पीएच, अच्छा अम्ल में ना अम्लों के स्रोत याद कर लीजिएगा है ना, जैसे टार्टरिक एसिड किस में पाया जाता है, इमली हो गया है ना, ध्यान दीजिएगा सिट्रिक एसिड खट्टे पदार्थों में है ना, ये वाला चीज जरूर देख लीजिएगा। चलिए पीएच वैल्यू की अगर बात करिए तो पीएच मान, जैसे ब्लड का पीएच मान 7.4, दूध का 6.4 ना, पानी का पीएच वैल्यू 7, याद रखिएगा पीएच पैमाने का खोज करता सोरेनसन, 7 के नीचे तो अम्ल, 7 के ऊपर तो क्षार, 7 पे आ गया तो उदासीन। ध्यान दीजिएगा कार्बन से रोज क्वेश्चन पूछ रहा है, कार्बन के अपरूप से पूछ रहा है या फिर डायरेक्ट कार्बन दे दे रहा है, इसको अच्छे से क्या करिएगा पढ़ लीजिएगा। गलनांक हिमांक क्वथनांक वाष्पन संग्रहण और उद्पादन जरूर याद रखिएगा, डायरेक्ट छप रहा है कि बर्फ का गलनांक कितना डिग्री सेल्सियस होता है ना, टेम्परेचर पैमानों में संबंध है ना, पैमानों में संबंध, ध्यान दीजिएगा टेम्परेचर पैमानों में संबंध को पढ़ लीजिएगा, केमिस्ट्री में यही इंपॉर्टेंट टॉपिक थे जिससे क्वेश्चन डेली देखने को मिल रहा है, ध्यान दीजिएगा। अब किस पे आ जाए साथियों, फिजिक्स पे,
फिजिक्स में किस पे क्वेश्चन मिल रहा है, गति के नियम पे क्वेश्चन दे दे रहा है। तीन नियम है, किसने दिया? न्यूटन ने, ठीक है। गति के समीकरण भी कितने हैं? तीन ही है, किसने दिया? न्यूटन ने। कार्य ऊर्जा शक्ति, इससे तो रोज सवाल बना रहा है साथियों, इससे रोज सवाल बना रहा है। कार्य को जरूर पढ़ लीजिए और ऊर्जा को भी, ऊर्जा में यांत्रिक ऊर्जा इंपॉर्टेंट है। यांत्रिक ऊर्जा यानी, यांत्रिक ऊर्जा यानी कि स्थितिज ऊर्जा और गतिज ऊर्जा का योगफल, यानी आपको स्थितिज ऊर्जा भी पढ़ लीजिएगा और आप गतिज ऊर्जा भी पढ़ लीजिएगा। शक्ति P बराबर W/T, पढ़ के जाइएगा जरूर से जरूर, क्वेश्चन छपेंगे इनसे, ध्यान दीजिएगा। बल, दाब और त्वरण एकदम फेवरेट जैसे है, ध्यान दीजिए। ये जो है ना, अच्छा खुद सोचिए, रेलवे विभाग है ना, कौन से ज्यादा क्वेश्चन उठा सकता है? खुद सोचिए, फिजिक्स से सबसे ज्यादा क्वेश्चन उठा रहा है। अगर 25 क्वेश्चन पूछ रहा है तो 10-12 फिजिक्स वैसे दे दे रहा है। इंपॉर्टेंट टॉपिक लिख दिया, इंग्लिश छप रहा है, तो बल, दाब और त्वरण पढ़ लीजिएगा जरूर से। सवाल इस पे, त्वरण पे दो बार दे चुका। विद्युत, लड़के बहुत कह रहे सर भड़ू विद्युत से पूछ रहा है, विद्युत से ओम के नियम पे पूछ रहा है, यानी V=IR वाले पे, और इसी में आर साथियों प्रतिरोध है, प्रतिरोधों के संयोजन से क्वेश्चन पूछ रहा है, विशिष्ट प्रतिरोध से पूछ रहा है। विद्युत धारा का चुंबकीय प्रभाव जरूर पढ़ लीजिए, इससे क्वेश्चन आ रहे हैं ना कि विद्युत धारा चुंबक वाला कैसे कहानी बनती है, ठीक है, ये पढ़ लीजिएगा जरूर, पेपर में छप रहा है। प्रकाश की तो रोज छप रहा है, लड़के एकदम परेशान है सर, लेंस, दर्पण, अपवर्तन, अपवर्तनांक से रोज क्वेश्चन आ रहा है, ध्यान दीजिए। लेंस दो ही होते हैं, अवतल उत्तल, दर्पण भी दो ही होते हैं, समतल और गोली दर्पण। अपवर्तन पढ़ लीजिएगा, प्रकाश का अपवर्तन, ठीक है, और प्रकाश का परावर्तन। मापन और मात्रक, ये भी आपके लिए क्या है साथियों, एकदम इम्पोर्टेंट है ना। मापन मात्रक से क्वेश्चन बन रहा है कि कौन सी राशि का SI मात्रक क्या है, कौन सी राशि का CGS पद्धति में मात्रक क्या पूछ रहा है। चलिए बायोलॉजी में ध्यान दीजिए, फिजिक्स में इंपॉर्टेंट जितने टॉपिक थे हम लिख दिए हैं, इसके बाहर कुछ नहीं आना साथियों। अगर कुछ पूछ भी लिया ना, चुंबक से पूछेगा, अगर कुछ पूछ लिया तब, है ना, चुंबक से, ध्यान दीजिएगा। बायोलॉजी में क्या साथियों, कोशिका से क्वेश्चन डेली पूछ ले रहा है, किसी न किसी शिफ्ट में कोशिका का क्वेश्चन छप रहा है। कोशिका पढ़ लीजिएगा, और कोशिका के अंग, कितने अंग है कोशिका के, ठीक है। ऊतक, ऊतक में जंतु ऊतक में केवल ब्लड पढ़िएगा और हड्डी, बोन, है ना, रक्त और हड्डी, यहीं से क्वेश्चन देखने को मिल रहा है। पादप ऊतक में जाइलम और फ्लोएम पढ़ लीजिएगा, क्वेश्चन मिल रहा है देखने के लिए। और एक होता है ना, एक स्थायी, देखिए स्थायी पादप ऊतक को दो भाग में बांटा गया है ना, एक स्थायी वाला और एक, देखिए एक सरल स्थायी ऊतक है ना, और एक विभोज्य ऊतक, ठीक है, विभोज्य ऊतक और स्थायी ऊतक दो भागों में बांटा गया है। अब स्थायी वाले को भी दो भागों में बांट दिया गया, सरल वाला और एक जटिल वाला, ये जटिल वाले के हैं, ठीक है, तो पेपर में यही जटिल वाला ज्यादा पूछ रहा है। फिर ग्रंथि में पढ़ लीजिएगा, कौन छोटकी ग्रंथि, कौन बड़की ग्रंथि, किससे कौन सा हार्मोन रिलीज होता है, जरूर पढ़ लीजिएगा, पेपर में डायरेक्ट छप रहा है। हार्मोन, वही बात, हार्मोन कहाँ से कौन सा हार्मोन स्रावित होता है, पेपर में छप रहा है। पादप हार्मोन और जंतुओं में हार्मोन जो होता है, पेपर में छप रहा है। विटामिन से क्वेश्चन रोज पूछ रहा है, कौन से विटामिन का क्या रासायनिक नाम है, या कौन से विटामिन से कौन सा रोग होता है। रोग, रोग में चार प्रकार के, ध्यान दीजिए, सूक्ष्म जीवों से, विषाणु, जीवाणु, प्रोटोजोआ और कवक द्वारा होने वाले रोग, उनको जरूर देख लीजिएगा। ट्रिक से भी हम पढ़ाए हैं, आप जरूर विजिट करिए चैनल पे, मैक्सिमम चीजें। अच्छा ध्यान दीजिए साथियों, जितना यहाँ टॉपिक हम लिखे हैं बोर्ड पे ना, सारे टॉपिक से संबंधित हर एक क्वेश्चन को अच्छे से समझा के हम एक सीरीज में करवाए हैं, रेलवे ग्रुप डी वाली सीरीज में 20 क्लास हैं, आप जरूर ले लीजिए पेपर से पहले। आधे आधे घंटे के क्लास है, 10 घंटे आप टोटल लगेगा 20 क्लास लेने में, पूरा साइंस कंप्लीट कराए हैं, ध्यान दीजिएगा। पाचन तंत्र जरूर पढ़ लीजिएगा, डाइजेशन सिस्टम और हृदय यानी हार्ट, ठीक है, डाइजेशन सिस्टम। इसी तरह ना, हाँ, श्वसन तंत्र भी पढ़ लीजिएगा, श्वसन तंत्र, ठीक है। प्रजनन, देखिए यहाँ साइड में लिखे प्रजनन, तो प्रजनन तंत्र, श्वसन तंत्र और पाचन तंत्र जरूर पढ़ लीजिएगा। अच्छा, रक्त परिसंचरण तंत्र तो रक्त में ही आ जाएगा, ब्लड ग्रुप भी रक्त में ही आ जाएगा, पेपर में छप रहा है, ध्यान दीजिएगा। हाँ, क्लॉटिंग ऑफ ब्लड, अच्छा कमेंट बॉक्स में एक बात बताइएगा, जो रक्त का थक्का जमने से शरीर के अंदर रुकता है ना, कौन करता है ये काम, उसी का नाम छाप दीजिएगा कमेंट बॉक्स में। फिर साथियों क्या पढ़ लीजिएगा, हृदय, हृदय को पढ़ लीजिएगा, प्रजनन, इतना ही इम्पोर्टेंट है, अगर इतना पढ़ के जाएंगे ना, यकीन मानिए
एक टॉपिक और छूट रहा है, लिख लीजिए क्या स्टिच मां, जो जितने भी जीवधारी है ना इनका साइंटिफिक नेम है ना, चाहे वो सजीव है चाहे पेड़ पौधे, उनका उनका क्या पूछ रहा है, वैज्ञानिक नाम पूछ रहा है। अभी कुछ पेपर में पूछ लिया था मनुष्य का वैज्ञानिक नाम, तो क्वेश्चन सरल बन रहा है, बहुत कठिन नहीं बन रहा है, बहुत टेंशन मत लीजिए। दो चार क्वेश्चन तो जाहिर सी बात है कठिन आएंगे, 25 क्वेश्चन आएगा, 5 तो भी कठिन नहीं आएगा तो क्या मतलब है। तो 5-6 क्वेश्चन कठिन आएंगे, और कठिन कहाँ से हो जा रहा है, लड़कों को जो सवाल लगाने नहीं आ रहा है उसको निकल के कह रहे हैं सर कठिन है। सही बात है, तो ध्यान दीजिए, आप इस टॉपिक को पढ़ के जाइए, इस टॉपिक को, और यही 4 टॉपिक से क्वेश्चन बन रहे हैं, है ना, 4 टॉपिक से न्यूमेरिकल वाले क्वेश्चन बन रहे हैं आपके, हमेशा फिजिक्स के ही तो न्यूमेरिकल बनेंगे। ध्यान दीजिएगा, लेंस और दर्पण जरूर पढ़ के जाइए, क्योंकि लड़के कह रहे हैं पेपर में इससे क्वेश्चन अधिक आ रहा है। अच्छा, प्रकीर्णन पढ़ लीजिएगा, प्रकीर्णन यानी प्रकाश का फैलना, ललका रंग का सबसे कम, बैंगनी रंग का सबसे ज्यादा, ध्यान दीजिएगा, यानी कि प्रिज्म वाली चीजें पढ़ लीजिएगा, कलर में बटने वाला, कौन से कलर का है ना, कौन से कलर का प्रकीर्णन कम या ज्यादा है, कौन से कलर का तरंग दैर्ध्य कम ज्यादा होता है, ये चीज जरूर पढ़ लीजिएगा, पेपर में डायरेक्ट छपेगा। चलिए साथियों, अगर आपको ये क्लास पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करिएगा, और अगर साथियों चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। मिलते हैं साथियों अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।